हेलो दर्शक साथियों, कैसे हैं सभी लोग। सो यार, आज अपन बात करने वाले हैं और पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर आप अभी आईटी सेक्टर ज्वाइन करते हैं, इसके अंदर अगर आप कोई बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई अदर कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं दिस आईटी सेक्टर या फिर कंप्यूटर साइंस एंड अदर, तो इसका फ्यूचर में क्या स्कोप रहने वाला है आफ्टर द 2025 के बाद, आपका कहाँ पर जॉब रहेगी, क्या प्लेसमेंट रहेगा, क्या सारा सीनियरियो है, तो चलिए देख लेते हैं। और आज अपन जानने वाले हैं आईटी सेक्टर का पूरा बेमिसाल ज्ञान, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर की जो जॉब्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जस्ट अगर आप चूज कर रहे हैं देन दिस इज वेल एंड गुड, वेरी गुड है आपके लिए। अभी की अगर मैं बात करूं तो जस्ट आईटी जो सेक्टर्स है, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो परस्यूइंग करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट कॉलेजों में बच्चे यही कर रहे हैं। और कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो ब्रांचेज जो है उनकी सीटें घटा के आईटी एंड कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये सारा सीन चल रहा है। लेकिन जो क्या कर रहे हैं, बच्चे अगर ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है एंड आवश्यकता ज़्यादा है और ठीक ठाक भरपूर्ति हो रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी इन फ्यूचर 2025 तक, तो जो इनकी जो जॉब्स है वो ASP के अंदर अवेलेबल है, एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल है, जो भी हमारा सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे अवेलेबल है। अभी जस्ट जो है हमारा ड्रोन प्रोग्राम इनॉग्रेशन हो रहा है, इसके अंदर भी आईटी सेक्टर के अंदर हजारों जॉब्स अवेलेबल है। सो जस्ट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप नहीं घबरा रहे मुझे पता है। अब आपको क्या करना है यार, यू कैन इनरोल नाउ इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी आपने सुना होगा, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो जैसे आपको रुझान करना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की ओर, बिकॉज उसमें जो है स्कोप ज़्यादा है एक्सेप्ट अदर देन सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सी होती है भैया, तो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप सोच सकते हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है प्रोडक्ट बनाती है, गूगल है प्रोडक्ट बनाती है, अमेजोन है प्रोडक्ट बनाती है। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब होता है जैसे TCS है, ठीक है, जो भी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, विप्रो है, राइट, एंड जस्ट जो नारायण मूर्ति सर की कंपनी है, एंड मेनी मेनी जस्ट आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है। अभी जो मेजरली जो हमारे देश के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो धान की प्रॉब्लम चल रही है, खाने की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे गेहूँ है, अभी गेहूँ की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, अभी इंडिया में नहीं है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो खाने की मतलब बहुत ज़्यादा भूखमरी सी है आप मान सकते हो। एंड लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 के बाद आईटी सेक्टर की, तो यार इसके अंदर हजारों जॉब्स हैं, लाखों हजारों। अब रही बात उन स्टूडेंट्स की, वो वांट टू परस्यू द कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वो इज नॉट फ्रॉम जस्ट लाइक IITs NIT। जो बच्चे IIT से कर रहे हैं, NIT से कर रहे हैं या फिर अच्छे रेपूटेड प्राइवेट कॉलेजों से कर रहे हैं, देन उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे IITs के अंदर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गई, गूगल आ गई, अडोबी आ गई, जीसॉक आ गई, राइट, गिग्स फॉर गिग्स, मैनी मैनी कंपनीज आ जाती है। IITs के अंदर बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, NITs में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो बच्चे बिलोंग करते हैं लोअर कॉलेजेस, थर्ड टायर कॉलेजेस, टू टायर्ड कॉलेजेस, राइट, सो उनको जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज उनको क्या करना पड़ता है, जैसे रिक्रूटमेंट आती है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ऑफ कैंपस उनको जो है जाना पड़ता है। लेकिन जो है जॉब्स अवेलेबल है, जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है। अगर जॉब अवेलेबल है देन आपको कोई नहीं रोक सकता जॉब लेने के लिए। तो दस आप जो है अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है देन बेफिकर जाइए और जॉब की टेंशन ना करें। एंड जस्ट जो है 2035 तक तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 2035 तक तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस सेक्टर के अंदर आगे उड़ने तक। तो जस्ट इसके अंदर आप खूब, ठीक है। एंड यार अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जस्ट डायरेक्टली एडमिशन मिल जाए, या फिर अच्छे रेपूटेटेड आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके JEE में कम स्कोर आ रहा है या फिर आपने JEE का एग्जाम ही नहीं दिया, आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आप जस्ट
नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। माय टीम इज प्रोवाइडिंग एडमिशन इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, सो यू कैन इनरोल नाउ। अगर आपको IIT मिल रहा है, NIT मिल रहा है, देन आप बेफिक्र जाइए। अगर आपको लोकल कॉलेज भी मिल रहा है, देन आप IT कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, देन घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जॉब्स आर अवेलेबल। और यार जब जॉब अवेलेबल है तो उसको लेने में कोई मतलब जस्ट मस्कत वाला काम नहीं है। थोड़ी सी जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स बिलोंग टू अदर देन CU जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU, जामिया, IIT, NIT एंड अदर, तो उनको थोड़ी सी जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, राइट, प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है, लाइफ कैसी रहने वाली है, एंड इसकी जो लोकेशन क्या रहने वाली है। सर प्लेसमेंट जो है ऑलमोस्ट CS एंड IT का ही होता है सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट, मैक्सिमम प्लेसमेंट इस ब्रांच का ही होगा, राइट। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्लेसमेंट रहता है फ्रॉम द IIT से 2.75 करोड़ का प्लेसमेंट गया अभी तक। एंड ऑन एन एवरेज अगर अपन प्लेसमेंट की बात करें तो यार 10 से 15 LPA का एवरेज प्लेसमेंट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी का, ऑल ओवर द इंडिया का। CTC 15 LPA आप मान के चल सकते हो, बिकॉज ठीक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड मार्जिन बहुत होता है इसमें, तो जस्ट लाइक इतना तो आप मान के चल ही सकते हो। फ्रॉम द टॉप IITs के अंदर इसका प्लेसमेंट करोड़ों में होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी जॉब्स होती है, जैसे फ्रंट एंड वैकेंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो जस्ट लाइक दिस इज प्रोवाइडिंग मैनी मतलब लाख ऑफ सैलरी जिन करोड़ों के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन बात करें यार इसके लोकेशन की, तो जस्ट इंडिया के अंदर जस्ट IT सेक्टर का हब है बेंगलोर। तो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा जॉब जो मिलती है वो आपको बेंगलोर में देखने को मिलती है। देन आप नोएडा मान के चल सकते हो, दिल्ली है, मोहाली है, जयपुर राजस्थान है, अहमदाबाद है एंड वडोदरा है, गुजरात की कुछ स्पेशल सिटीज़ है, राइट, झारखंड के अंदर कुछ छोटी छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। एंड बेंगलोर के अंदर ऑलमोस्ट जो कैंपस है बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, GSOC है, Adobe है, सबके ऑलमोस्ट के जो कैंपस है, हेड जो क्वार्टर्स है इंडिया के, वो बेंगलोर के अंदर है। उसके बाद में जो आप गुड़गांव जो है गुरुग्राम इसको जो बोलते हैं दिल्ली के थोड़ा सा पास में है, वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कंपनी के जो ऑफिसेस है जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजोन, तो आप गुरुग्राम में देख सकते हो, ये अच्छी लोकेशन है। वैसे दिल्ली एक अच्छी लोकेशन है। नोएडा जो है UP के जस्ट लाइक NCR के अंदर आता है, तो नोएडा के अंदर भी अवेलेबल है। देन जो है आप महाराष्ट्र में जस्ट लाइक फाइनेंस ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी जस्ट आपको जॉब्स मिलती है। एंड बेसिकली जो अच्छे अच्छे कॉलेजेज आते हैं वहाँ पे जो है बाहर से भी कंपनियाँ रिक्रूट करने आती है इंटरनेशनल, तो जैसे आपका अगर इंटरेस्ट है देन यार इस सेक्टर के अंदर आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी जॉब्स है, देन आप जस्ट वहाँ भी जा सकते हो। जस्ट लाइक अमेजोन के अंदर आप जा सकते हो, गूगल के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप IIT से पढ़ रहे हैं, NIT से पढ़ रहे हैं, देन डोंट वरी, आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। इंडिया में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, पकड़ पकड़ के ले जाएंगे कंपनियों वाले। आउट ऑफ इंडिया आसानी से जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। कंपनी वाले डायरेक्टली उठा उठा के ले जाएंगे, भैया आप IIT से पढ़े, हमारी कंपनी में चलिए, स्वागत है आपका, राइट। तो जस्ट दिस इज द रियलिटी ऑफ द IITs एंड NITs एंड जस्ट जो IT सेक्टर के अंदर भर भर के जॉब पड़ी है, भर भर के पैसा है। आप जस्ट यही ट्राई करिए कि आपको कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, प्रोडक्ट क्वेस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाए, देन जस्ट जो है आप गाड़ी, बंगला, जो भी आप चाहें, ठीक है। तो जस्ट यू कैन ट्राई नाउ एंड मस्ट विजिट engineeringwala.in। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।